गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेल, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ बिकॉज फाइनली सौरभ इज बैक और वो गया अबीर को ड्रॉप करने। तो उसकी कॉल्स शुरू हैं कुछ 9 o'clock से। तो आज हमने अबीर को दोबारा से ब्रेकफास्ट क्लब भेजा बिकॉज ही लव्स ब्रेकफास्ट क्लब। तो बस सौरभ अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। आते साथ मैंने उसे रिक्वेस्ट करी है, सीरियसली गाइज मैंने रिक्वेस्ट करी है ऑनेस्टली कि प्लीज, क्योंकि तूफान बहुत आया था 2 दिन पहले, तो मैंने बोला बाहर वाला एरिया प्लीज क्लीन कर दे, बहुत गंदा लग रहा है घर का फ्रंट। तो ही विल डू दैट फॉर मी। आई विल शेयर विद यू ऑल दैट चिया पुडिंग रेसिपी जिसके बारे में मैंने शोर मचा रखा है अपने ब्लॉग्स पे। अगर आप मेरे ब्लॉग्स रेगुलर देख रहे हो तो आज मैं आपसे वो वाली रेसिपी शेयर करूंगी। तो बस मैं अपने घर के छोटे मोटे सारे काम खत्म करके, छोटे मोटे तो खैर कोई काम नहीं होते, बहुत सारी लॉन्ड्री है वो सब फिनिश करके, कपड़े अपने संभाल कर आई विल गेट रेडी एंड आई विल शो यू गाइज द फुल रेसिपी। मैं ना हर तरह का सफाई का काम कर सकती हूँ, ठीक है? आपको बताइए, आई लव टू कीप माई हाउस नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, बट जो बाहर वाला एरिया ना, वो एक गाड़ी और एक बाहर वाला एरिया, वो मैं साफ नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझसे साफ होता नहीं है, वो वाली जिम्मेदारी मैंने सौरभ को ही दे रखी है। तो बाहर दिखाती हूँ, 2 दिन पहले इतना तूफान आया था, बाहर पत्ते ही पत्ते हो गए थे, हालत देखो घर के बाहर की। और फिर मैंने अपने गार्डनर को बुला लिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमारा गार्डनर आ गया गाइस। ओह माय गॉड, सीके का पजामा पहन के ये बाहर का एरिया साफ कर रहे हैं। एक हम है जो अभी तक कुर्ते पजामे में ही है। भैया पिछली बार भी आपने ना ये प्लांट पॉट्स हटाए नहीं थे। तो आपको ना हमेशा पता है आपको क्या, मुझे तू क्या करती है, तू तो सिर्फ चेक करती है कि इसे हटाया था नहीं हटाया था। देख लो इस कंट्री में ना आप ऐसे बात नहीं कर सकते मुझसे, ठीक है? कॉल मी माम, अभी ने मुझे सिखाया विक्टोरियन टाइम में मैम नहीं बोलते थे, माम बोलते थे। ये प्रॉब्लम थी। चलो भैया, भैया जब चाय दे दे, टाइम निकल रहा। चाय दे दे एक कप, नहीं बता देना चाय पानी चाहिए हो तो, ठीक है? और आज तुम्हारा पूरा हिसाब कर देंगे। अभी आप देखना गाइस, अभी जादू होगा, मैं ऐसे हाथ घुमाऊंगी और देखने सारा साफ हो जाएगा। देखो आप, चुटकी मारूंगी मैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। अरे अरे चुटकी मारी, साफ नहीं हुआ भाई। चलो अब मारते हैं चुटकी, ये बंदा भी गायब हो जाएगा यहाँ से, आप देखना। तो ये देखो दोस्तों, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया है। मैंने कहा ना हमारा गार्डनर बहुत बढ़िया है, पता है ये सब भी साफ करवा ली मैंने फटाफट से। आप लोगों को लग रहा होगा ना कैसे हो यार आप, इतना काम करवाते हो, क्या मतलब काम करवाते हो, घर उसका भी है। चलो जी, साफ सुथरा हो गया हमारा घर बाहर से, आई एम सो हैप्पी। क्या क्या कह रहे हो? ठंड से मर चुका हूँ मैं, और तुम ये कर दो वो कर दो। पता है लोग कितना वो करते हैं तुम्हें प्यार, सब कहते हैं सौरभ भैया जैसा कोई नहीं, और ये सच है। क्योंकि सर किसी को चाहिए ना सौरभ भैया, सब कहते हैं हम अपने पतियों को कैसे ट्रेन करें ऐसे। हमने ट्रेन नहीं करा गाइस, लड़का हीरा है, अपने आप से करता है वो, कोई मेरा डर नहीं है, कुछ नहीं है, उसका अपना दिल है। बेबी आप अपनी उससे कर रहे हो ना, विलिंगनेस पूरा विल मेरी है इसमें, तेरी नहीं है। थैंक यू बेबी, आई लव यू। मैं तो चाहती थी थोड़ा घास वास भी हो जाती, बट चलो कोई नहीं, हाथ दिया है गर्दन पे मत जाओ। बेबी आपके जो कपड़े हैं ना बहुत क्यूट लग रहे हो। आए 16 सोमवार के व्रत जो मैंने रखे थे ना, वो मेरे, मुझे उसमें सफलता मिल चुकी है दोस्तों। मैंने एक भी सोमवार का व्रत नहीं रखा और ना ही मैं कभी रखूंगी। गाड़ी गंदी जब भी वापस आता हूँ, गाड़ी एकदम साफ मिलती है जब भी आप वापस आते हो। मतलब सौरभ मैंने अगर किसी दिन डे इन माई लाइफ दिखा दिया ना यूट्यूब पे, मैं सच कह रही हूँ सारे सब्सक्राइबर घर के बाहर खड़े होंगे। गाइस ये इतना बोलते हैं गाड़ी गाड़ी कर रहे हैं, जिस दिन मैंने आप लोगों को अपना डे इन माय लाइफ दिखा दिया ना, आप लोग सब मेरे घर के बाहर आ जाओगे मेरे रेस्क्यू के लिए। तो हाँ जी दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना शुरू करा है कि नहीं करा है, नहीं करा है तो प्लीज कीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो, ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। तो मैं इंस्टाग्राम पे आपके साथ बहुत सारी मेकअप टिक्स मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स स्टोरीज पे छोड़ती रहती हूँ, आप लोगों से बातें करती रहती हूँ, तो प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। और आई होप कि मैं आप लोगों के साथ वो सब चीजें शेयर कर सकूँ। एयर डायसन का तो कुछ नहीं हो सकता, एयर रैप का आई मीन टू से। तो फटाफट से लगाते हैं लिप शेड, ऐसे ही आप कैमरा ऑन करो और रिकॉर्ड करना शुरू करो, सारी गड़बड़ी तब होती है।
लिपस्टिक की डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर ली हैं, मुझे ना आउटलाइन ही बनानी थी। तो ये मेरा कंप्लीट लुक ऑफ द डे। तो हाँ जी दोस्तों, अब बारी है आपसे इस जीरो शुगर चिया पुडिंग की रेसिपी शेयर करने की। तो आइए चलिए आपको बताते हैं मैंने कैसे बनाई। सबसे पहले आप बोल के अंदर थोड़ा दूध ले लोगे, दूध में डालोगे थोड़ा केसर, हल्दी और सबको मिक्स करके दूध को अच्छी तरह से गर्म करोगे। फिर आप डालोगे इलायची पाउडर और अब दूध को होने देते हैं गर्म। और एक बोल के अंदर ले लेते हैं 5 खजूर, 10 काजू, 10 बादाम, 10 पिस्ते और गर्म दूध को इसके अंदर हम कर देंगे ऐड। अब सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। कुछ 15 से 20 मिनट बाद हम इस पूरे मिक्सचर को डालेंगे ब्लेंडर में, इसे करेंगे अच्छी तरह से ब्लेंड और फिर इसको दोबारा से पोर करेंगे बोल के अंदर। यहाँ पर मैंने ले लिए 3 बड़े चम्मच चिया सीड्स और अब इस चिया सीड्स को स्प्रेड करेंगे इस ब्लेंडेड मिक्सचर के ऊपर और अच्छी तरह से इसे करेंगे मिक्स। जब एक बार चिया सीड्स मिक्स हो जाएंगे आप इस पूरे मिक्सचर को फ्रिज के अंदर रख देंगे कुछ 3 से 4 घंटे के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा मिक्सचर फ्रिज से बाहर आ चुका है और ये देखें आप कितनी खूबसूरती से चिया सीड्स इस पूरे मिक्सचर में मिक्स हो गए हैं। तो ये देखिए हमारी पुडिंग रेडी हो चुकी है। लेकिन रुकिए रुकिए, अभी मत जाइए, अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्तों। अभी हम करेंगे इस चिया पुडिंग को अच्छी तरह से गार्निश। ये जो बोल है ये मैंने लिए हैं इंडिया से 99p स्टोर से और यहाँ पर मैं चांदी के वर्क लगा रही हूँ इस पुडिंग के ऊपर, थोड़ा शाही टच देंगे हम इसको। और हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे सूखी गुलाब की पत्तियाँ, ये एडिबल होती हैं। और ये देखिए दोस्तों बातों ही बातों में हमारी चिया पुडिंग रेडी हो चुकी है, जीरो शुगर चिया पुडिंग। ये रेसिपी मेरी नहीं है, जिनकी है उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। चलो जी अब सूरी साहब करेंगे इसे टेस्ट और देखते हैं उनका रिएक्शन। ये लीजिए चम्मच। चम्मच भी इसकी तरह रॉयल लग रहा है। हाय मैं मर जावा। मुझे ना ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए। ये ना एक शेफ शिवेश करके हैं इंस्टाग्राम पे, उनकी रेसिपी है। ये भी सब डालते हैं उसके ऊपर वो। पर दोस्तों फिर आप लोग कहते हो कि मैं नहीं, आप लोग तो ऐसे कुछ भी नहीं कहते मेरे बारे में, अच्छा ही कहते हो। लेकिन गाइस अब मुझे बताओ, एक इंसान ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत बहुत अच्छा, तो ये क्वेश्चन पूछते इसके ऊपर डालते, तुम्हें क्या लड़ रहे हैं वो तुम्हारे से? सौरभ कैन यू प्लीज गिव द फीडबैक, पीपल आर वेटिंग। आई एम सेइंग इट्स वेरी वेरी नाइस। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी शुगर नहीं है यार इसके अंदर। मीठा तो है, फील हो रहा है थोड़ा, शुगर की डेट्स डली है ना। बहुत अच्छा। मुझे ऑर्गेनिक डेट्स नहीं मिली, ऑर्गेनिक मिलती ना और भी मजा आ जाता। इट्स वेरी नाइस है ना। आज दोस्तों को खिलाते हैं शाम को, उनके लिए भी ले जाऊंगी मैं। शाही क्या क्या है? This is called chia pudding, कोई शाही चिया पुडिंग। चलो इन्होंने नया नाम दे दिया शाही चिया पुडिंग, but it's really very good. I think you should, हाँ मैं भी खाऊंगी अभी, you should have it in the morning after your gym. Seriously, it's really good. Without patas. Guys, इसको no problem है, इसको garnishing से problem है, लेकिन आप लोग जरूर garnish कीजिएगा। दोस्तों करी जा रही हूँ, कैमरा ऑन नहीं है। दोस्तों आपको सौरभ सूरी की तरह नहीं बनना है, आपको बनना है प्रीति सूरी की तरह और आपने गार्निश करते रहना है, करते रहना। हाँ गार्निश करके खाना, यार मजा नहीं आएगा यार ऐसे गुलाब के पत्ते डाल के अपना चांदी का वर्क। मैं तेरे को सारे पत्ते दे देता हूँ, मैं तेरे मुंह वाली चम्मच भी खाऊंगी। खा के देखिए पत्ते के साथ, देखो समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब बकवास मत, सारे पत्ते देखो। सीरियसली बहुत अच्छे, मैंने बता भी अकेले अभी मुझसे जोर से गुलाब के पत्ते गिर गए थे, मैंने ऐसे ही खा लिए वो। ये बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। पता वो लोग कन्विंस नहीं हो रहे, उनको लग रहा है उसका अपना पति तारीफ नहीं कर रहा। ये तारीफ करे ना करे, हमें इसका रिव्यू रिव्यू कैसे दे रहे हो? इतनी मेहनत लगी है, बैलेंस अप्रोच है ये। 10 out of 10 पत्ते, 0 out of 10 गाइस। आपने इसका नहीं सुना पता है, एक्चुअली मैं बताती हूँ, नहीं मुझे समझ में आ गया। हाँ तो ठीक कह रहे, तो ठीक है। एक्चुअली तुम लोग ना शुरू से ही वो रॉयल और उसमें रहे ही नहीं हो। हम शुरू से चांदी के वर्क और ये शुरू से चम्मच सोने के यूज नहीं कर रहे। हाँ वो तुम्हारी गलती है ना, तुम लोग अपना वही वैसे हमने भी स्टील के बर्तनों में खाया है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन इंसान को अपग्रेड करना चाहिए लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। गार्निश इनको नहीं समझ में आएगा गाइस, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। You have to understand me. You will garnish it, right? This person. पर मुझे बहुत खुशी है, इसको अच्छा लगा। दोबारा अपने काम पे चला गया है वो।
वो दोबारा अपने काम के मोड में चला गया है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और हम ये पीछे जितना तामझाम फैला हुआ है इसको करते हैं साफ, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे की सेल में किसको जाना है, किसको किसको जाना है, किसको जाना है, मेरे को तो नहीं जाना। सीरियसली दोस्तों, ये पुडिंग आपकी वेट लॉस जर्नी में भी आपकी हेल्प कर सकती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी ब्रेक करने में हेल्प कर सकती है। भाई मज़ा आ गया खाकर, बहुत मज़ेदार है, ज़रूर बनाइएगा। और शेफ शिवेश, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी। मैं आप लोगों से मिलूंगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइज, और जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।